मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के आइकॉनिक स्टार्स हैं। इतना ही नहीं, दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी ने एक फिल्म गलियों का बादशाह में साथ काम किया था, जो साल 1989 में आई थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने मिथुन के साथ कई बोल्ड सीन दिए थे। इसी बात पर हेमा मालिनी काफी नाराज हो गई थी और हेमा मालिनी उस दौरान फिल्म के डायरेक्टर और मिथुन चक्रवर्ती दोनों पर खूब भड़की थी। आखिर क्या वजह थी कि हेमा मालिनी इस बात को लेकर इतनी भड़क गई थी, आइए जानते हैं। ये बात 80 के दशक की है। तब मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी गलियों का बादशाह नाम की फिल्म में साथ काम कर रहे थे। उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे। हेमा मालिनी का स्टारडम उस वक्त ढलान पर था। फिल्म में दोनों के बीच कई बोल्ड सीन भी फिल्माए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के डायरेक्टर से मिथुन दा ने कहा था कि हेमा मालिनी के मुकाबले उनके सीन ज्यादा रखे जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि हेमा मालिनी के कुछ सीन फिल्म से हटा दे। हालांकि ये बात हेमा मालिनी को पता चल गई थी। फिल्म के डायरेक्टर के साथ मिथुन दा की इस बातचीत का पता जब हेमा मालिनी को चला तो वे काफी नाराज हुई। उन्होंने कुछ और बातें पता की तो खुलासा हुआ कि मिथुन दा के साथ फिल्माए बोल्ड सीन को भी फिल्म से हटा दिया गया है। खबरों की माने तो इसके बाद हेमा मालिनी और मिथुन दा में खूब बहस हुई थी। तब हेमा मालिनी ने फिल्म के डायरेक्टर से कहा कि जब सीन दिखाने ही नहीं थे तो फिल्माया क्यों था। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे शोषण तक कह दिया था। इसके बाद हेमा मालिनी ने इसकी शिकायत एक्टर राजकुमार से भी की थी। राजकुमार उन दिनों हेमा मालिनी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन वे उनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाए थे। हेमा मालिनी ने जब उनसे शिकायत की तो राजकुमार ने भी डायरेक्टर को खूब डांटा। आखिरकार डायरेक्टर को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि फिल्म से सिर्फ उन्हीं सीन्स को हटाया गया है जो जरूरी नहीं थे। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद मिथुन दा और हेमा मालिनी के बीच लंबे समय तक बातचीत बंद रही। हालांकि समय के साथ दोनों के बीच के रिश्ते सुधर गए थे।